बट हाँ यस, तो इसमें ना जैसे हमने जो पूरे भारतवर्ष में पाया 2015 की है, 2015 के बाद हम ये एस्टिमेट्स, 2015 वाली एस्टिमेट्स हमने अभी 2020 में निकाली थी, तो उसके बेसिस पे पाया गया था कि 25% इंडिया की जो सिटीजंस हैं दे आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, उनको वो गरीबी के डेफिनेशन में आ गए हैं, ग्लोबली दे आर नोन एज मल्टी डायमेंशनली पुअर। अगर इसका हम यूपी का देखें तो यूपी इज ऊपर से, मतलब बिहार सबसे ऊपर है, बट ऑफ कोर्स तो बिहार में जैसे 50% से अधिक पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर थी इन 2015, उसी के तुलना करें तो यूपी थर्ड था, बिहार मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 37% पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर 2015 में। बरेली को अगर आप देखें, आप ये चौंकाने वाली चीजें हैं, बरेली डिवीजन, बरेली हम क्या मानते हैं, प्रॉस्परस जगह है, शाहजहांपुर बहुत प्रॉस्परस है, पीलीभीत भी प्रॉस्परस है, सारी प्रॉस्परस, पूरी खेती बाड़ी होती है, अच्छा खासा यहाँ एग्रीकल्चर इज वेरी प्रोडक्टिव। बरेली में 38% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है, ऑलमोस्ट एज बैड एज बेसिकली उत्तर प्रदेश के एवरेज से ज्यादा। तो जो अच्छे जनपद है वो भी आप गेस कर सकते हैं, लखनऊ 12% ओनली, कानपुर 14%, झांसी 20%, तो बरेली पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतना क्या है कि 37% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर है। पीलीभीत का सुनिए 43%, शाहजहांपुर 50%, बदायूं सबसे, बदायूं तो मैं रही हूँ तो मुझे पता है, बताया जाता था कि वेस्ट का सबसे हम ये नहीं नापते पर कैपिटा इनकम, नहीं नापते पर कैपिटा इनकम, अगर आप देखोगे तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट बरेली डिविजन के अच्छे होंगे झांसी से, राइट। बट ये क्या नापता है कि आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, आपका बॉडी मास इंडेक्स ठीक है या नहीं है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन लगता है, महिला पुरुष अलग अलग होता है। बट डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई या नहीं हुई, साथ साथ आपके जो 4 एंटीनेटल केयर विजिट्स हर महिला को मिलने हैं वो हुए कि नहीं हुए, थिंग्स लाइक एजुकेशन, स्कूल अटेंडेंस मिनिमम 6 साल रहा है कि हर बच्चा घर में स्कूल जा रहा है कि, उसके बाद आती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, घर में नल है या नहीं, देन सैनिटेशन।